नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद पीएम ने अपने अनुभव को साझा किया। रक्षा उपकरण बनाने में हिंदुस्तान का दम दिख रहा है। पीएम मोदी हर मंच से स्वदेशी पर बात करते आए हैं, आज तो वो अलग ही अंदाज में दिखे। लड़ाकू विमान में पीएम की उड़ान। फाइटर जेट तेजस में मोदी। पैतालीस मिनट तक हवा में किया सफर। बेंगलुरु के एयर स्पेस में फाइनल जेट की गड़गड़ाहट अक्सर सुनाई पड़ती है, लेकिन आज बात कुछ अलग ही थी, क्योंकि बेंगलुरु के आसमान में पीएम मोदी ने उड़ान भरी। जिस फाइटर विमान तेजस पर पीएम मोदी बैठे, वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा और पीएम के लिए ये एक अलग ही तरह का अनुभव रहा। पीएम मोदी को चुनौतियां पसंद हैं और इस बार भी उन्होंने एक चुनौती का सामना करते हुए फाइटर प्लेन का सफर किया। पीएम मोदी के तेजस में उड़ान भरने का एक वीडियो भी जारी किया गया है। सबसे पहले पीएम एयरफोर्स पायलट की ड्रेस में नजर आए, उसके बाद वो पायलटों से मिले, बाद में वो तेजस विमान में सवार हुए। तेजस फाइटर जेट का पायलट कॉकपिट पर बैठा तो वहीं पीएम मोदी प्लेन की पिछली सीट पर बैठे। प्लेन हवा से बातें कर रहा था, लेकिन पीएम मोदी का जज्बा यहाँ भी देखने लायक था। उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। प्लेन से वो कभी हाथ हिलाते तो कभी अपना थंब दिखाते। इस तरह से पीएम ने 45 मिनट तक तेजस पर उड़ान भरी। तेजस के सफर के बाद वो बड़े निश्चिंत दिखाई दिए। रक्षा उपकरणों में स्वदेशी तकनीक का बेजोड़ उदाहरण है तेजस फाइटर जेट। पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर थे, जहां से वो बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में पहुंचे। पीएमओ के मुताबिक उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण किया, बाद में तो उन्होंने सरप्राइज ही दे दिया। पीएम मोदी स्वदेशी फाइटर जेट तेजस पर सवार हुए और उसी में उड़ान भरी। तेजस में उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। इंडियन एयरफोर्स, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में स्वदेशी उत्पादों पर धीरे धीरे फोकस बढ़ रहा है और तेजस विमान स्वदेशी है। पीएम मोदी अक्सर कई मंचों से स्वदेशी पर जोर देते रहे हैं। जब से मोदी सरकार देश में आई है, तभी से रक्षा उपकरणों को भारत में बनाने और निर्यात करने की क्षमता में इजाफा किया गया है। तेजस जेट फाइटर एक इंडिजिनस, जो हमारा देश में बनाया हुआ एक जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें अभी GE-404 इंजन लगे हैं। 75 से ज़्यादा इस मार्के के विमान बन चुके हैं और तेजस मार्क 1A भी अब शुरू होने वाला है। जो अगला सीरीज है वो GE-414 इंजन से लैस होगा, जिसमें उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तेजस लड़ाकू विमान पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये एक इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जो किसी भी परिस्थिति में अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। इस विमान ने दुनिया को भारतीय टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाया है। यही वजह है कि बाहरी देश भी इसमें रुचि दिखा रहा है। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। एल्युमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिस्ट और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है।
इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। इसका वजन केवल 6,560 किलोग्राम है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसके 50% पार्ट भारत में बने हैं। ये जहाज एक फोर्थ प्लस जनरेशन फाइटर है, 4+4.5 जनरेशन फाइटर है, और कमाल की बात है अभी तक एक भी क्रैश नहीं हुआ, थैंक गॉड इसका, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत उम्दा है, देश में डिजाइन हुआ, देश में मैन्युफैक्चर हुआ। और ये जो जहाज है हमारी जो आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है। तो मोदी जी किसी भी जहाज में जा सकते थे, रफाल में जो फ्रेंच है, Su-30 जो रूस का बना हुआ है, मिराज वगैरह इत्यादि, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली चूज किया तेजस फाइटर को, ताकि जो हमारा आत्मनिर्भरता का प्रोग्राम है उसको वो बढ़ावा देना चाहते हैं, थम्स अप देना चाहते हैं। और तेजस हल्के वजन में बेहद कारगर लड़ाकू विमान है, क्योंकि ये 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है, साथ ही इसे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से इसके लिए हथियार ले जाना न केवल आसान है बल्कि लैंडिंग और टेक ऑफ में आसानी रहती है। HAL की क्षमता बेंगलुरु में हर साल 16 विमान बनाने की है, साथ ही कंपनी नासिक में भी एक फैसिलिटी बना रही है। इससे उसकी क्षमता सालाना 24 जेट बनाने की हो जाएगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तेजस की सवारी की थी। राजनाथ सिंह स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने थे। पीएम मोदी ने कहा, हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। मोदी सरकार ने रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए जो बड़े कदम उठाए हैं उसमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। मोदी सरकार ने 83 LCA के 1A विमानों की डिलीवरी के लिए HAL को 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है और इसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक होने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा दिग्गज GI एरोस्पेस ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान MK-2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने के लिए HAL के साथ एक समझौता किया था। ये तेजस Mk-2 जब आ जाएगा उसका एयरक्राफ्ट कैरियर का वर्जन भी आएगा और इसका जो परफॉर्मेंस है एट पार विद रफाल और Su-30 Mk इंडिया IA जो बनेगा Su-30 MKI, वो जो तेजस की बात होगी वो फिर पूरी की पूरी पूर्ति करेगा जो कि कमियां हैं हमारे स्क्वाड्रन में। 32 स्क्वाड्रन से कम 30 स्क्वाड्रन के तकरीब आ गए हैं, 42 स्क्वाड्रन चाहिए, 12 स्क्वाड्रन। आप देखेंगे कि कितनी तीव्र गति से ये पूरा का पूरा खाना भर, पूरा का पूरी इसकी रक्त उसके खाली स्थान भर जाएंगे, तेजस सब स्क्वाड्रन में आ जाएगा और उसके बाद में भारत की जो स्थान है, भारत की इज्जत Top 3 कंट्रीज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल अप्रैल में कहा था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा था ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तेजस नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तेजस विमान की ताकत अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से बिल्कुल कम नहीं है। इसमें लगे रडार हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में कारगर है, साथ ही ये हर तरह के मौसम में काम करने में सक्षम है। ये सारी खूबियां तेजस को अलग फाइटर जेट बनाती है जो अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सलकियारा सुरंग में मजदूरों के फंसने के बाद देश भर के सभी महत्वपूर्ण सुरंगों की जांच शुरू हो गई है। NHAI ने देश भर में चल रही अन्य महत्वपूर्ण सुरंग परियोजनाओं की समीक्षा करने का फैसला किया है, तो वहीं पुराने रेलवे टनल्स पर भी ट्रेनों की रफ्तार कम करने की बात कही गई है। बिलासपुर कट्टी रेलवे रूट पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा रेलवे टनल
भनवार टंक है जिसे 116 साल पहले अंग्रेजों की सरकार ने बनवाया था। 311 मीटर लंबा इस टनल से कटनी बिलासपुर डाउन लाइन की ट्रेनें निकलती हैं। टनल अंदर से मुड़ा होने के कारण एक छोर से दूसरी छोर को नहीं देखा जा सकता। टनल के अंदर एक जल स्रोत है जहां पहाड़ों से रिसकर पानी जमा होता है। इस टनल में यात्री ट्रेनों को 20 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि मालगाड़ी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाता है। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे के बाद रेलवे प्रशासन सजग हुआ है और रेलवे प्रशासन ने लगातार ही टनलों से निकलने वाली गाड़ियों की रफ्तार को कम करने का निर्देश दिया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि टनल से निकलने वाली गाड़ियों की रफ्तार अब धीमी की जाएगी। सुरक्षा के एहतियात को बरतते हुए टनल से निकलने वाली गाड़ियों को धीमा तो किया जाएगा। और इस वक्त जो हम खड़े हैं भनवार टंक रेलवे टनल पर, जो बिलासपुर से कटनी रेलवे रूट पर पड़ता है, और इस टनल पर पहले से ही जो रेल की रफ्तार है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाता है। टनल का जो लंबाई है वो 311 मीटर है और यह बहुत बेहद पुराना टनल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अंग्रेजों के ज़माने की टनल है और ये टनल को लगभग 116 साल हो चुके हैं। वहीं इस टनल को अब रख रखाव की भी ज़रूरत है। यहाँ नीचे में पटरियों पर कुछ अव्यवस्था ज़रूर दिखाई देती हैं, कोई बड़ा हादसा ना हो इसके लिए इसकी रख रखाव की अब बेहद आवश्यकता है। उत्तरकाशी में हुए हादसे के बाद से रेलवे टनल पर अब खासा नजर रखा जा रहा है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए सुबीर चौधरी, गोरिल्ला पिंडरा, मरवाही। अपने शहर में क्रिकेट मैच हो रहा हो तो किसका मन नहीं करता कि वो स्टेडियम में जाकर मैच का लुत्फ उठाए। इसके लिए हर शख्स टिकटों की बिक्री शुरू होते ही टिकट के जुगाड़ में लग जाता है। लेकिन तब क्या हो जब टिकटों की कीमत आदमी की चाहत पर पानी फेर दे। कुछ ऐसा ही हाल रायपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले T20 मुकाबले को लेकर है, जहां टिकटों की कीमत ने युवाओं की चाहत पर पानी फेर दिया है। रायपुर में 1 दिसंबर को खेले जाने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबले के लिए क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होगा। टिकट के दामों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। रायपुर में होने वाले T20 मैच को देखने के लिए दर्शकों को कम से कम 3,500 रुपए देने होंगे। छात्रों को प्रूफ देने पर टिकट 1,000 रुपए में मिलेगी। महंगे टिकट ने क्रिकेट प्रेमियों का टेंशन थोड़ा बढ़ा दिया है। टिकट का रेट कहीं ना कहीं ज़्यादा है करके काफ़ी चर्चाएं हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या कम होना चाहिए, क्या मांग करते हैं? हाँ, बिल्कुल कम होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में थोड़ा मध्यमिक वर्ग के जो लोग ज़्यादा रहते हैं तो उनके मुकाबले 1,000 से लेकर 25,000 के बीच है। बहुत बड़ा एक फासला है प्राइस को लेकर। तो मेरे को लग रहा है कम से कम 200 से 300 रुपये टिकट होना चाहिए। क्या लगता है टिकट की दरों को लेकर? आप काफ़ी शॉर्ट्स लगाते दिखे यहाँ पर जी, लेकिन मेरे हिसाब से 200 या 300 रुपये टिकट होना चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी अगर यहाँ पर रायपुर में, नए रायपुर में मैच हुआ था तो उस पर अपना 200-300 रुपये टिकट था। लेकिन पिछले बार IPL के जो मैच होने के कारण कुछ समय के बाद मतलब टिकट का रेट बढ़ा दिए गए थे। मतलब जो टिकट का रेट बढ़ा हुआ था ना, मतलब ब्लैक में जो बेच रहे थे, तो मेरे हिसाब से कम करना चाहिए 200 या 300 रुपये तक, क्योंकि बहुत फ़ैन है जो बाहर के अपने क्रिकेटर को देखना चाहते हैं। एक तो भैया यहाँ पे मैच बहुत कम ही होता है और ये अपना दूसरा तीसरा साल में जो मैच हो रहा है, इसी के लिए मैं बस ये बोलना चाहता हूँ टिकट का रेट कम से कम हो जाए। इससे पहले रायपुर में मैच के मिनिमम टिकट की दर 500 रुपए होती थी। ऐसे में इस बार सबसे कम कीमत में मिलने वाला टिकट भी युवाओं की जेब से बाहर नजर आ रहा है। युवाओं का कहना है कि टिकट की दरों में कमी होनी चाहिए ताकि वो भी मैच देखने जा सकें। T20 सीरीज का दूसरा मैच है, उन्हें कितना उत्साह है, कितने एक्साइटेड है? मैम बहुत उत्साहित हैं, बट जो टिकट प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। जो मिडिल क्लास बच्चे हो जाते हैं, बैचलर्स हैं, पढ़ाई करने आते हैं अदर स्टेट से भी, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि बच्चे जाके पढ़ देख सकें, इंजॉय कर सकें मैच। क्या करें, हम लोग फोन्स में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, उसे कुछ कर नहीं सकते हैं। एक्साइटमेंट तो है हमारे पास, हम भी उत्साह जाके देखना चाहते हैं, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है वो चीज। आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप मैच? बहुत एक्साइटेड है मैम, क्या कि T20 मैच तो एक 3 ओवर का बहुत ही रोमांचक रहता है, बहुत सारी बाउंड्री देखने को मिलते हैं, तो एक्साइटेड तो बहुत है, लेकिन महंगे टिकट होने के कारण मन मार के मोबाइल में ही देखना पड़ेगा। काफी समय बाद यहाँ मैच हो रहा है, मैच देखने जाएंगे आप? हाँ मैम, जाने का तो था, पर टिकट इतने महंगे हैं कि वो इच्छा ही नहीं कर रहा जाने का। तो सरकार से हमारी यही है कि कुछ टिकट कम करे ताकि मध्यम वर्गीय लड़के जाके उस मैच का एंजॉय ले सके,
और सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि टिकट कम से कम किया जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज के आगामी मैच तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी जैसे शहरों में भी हैं। 28 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाले मैच के टिकट के दाम 500 रुपए से शुरू हो रहे हैं। वहीं तिरुवनंतपुरम में मैच देखने के लिए कम से कम 750 रुपए देने होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि रायपुर में टिकटों की इतनी ज्यादा कीमत क्यों? न्यूज 18 के लिए रायपुर से तनु वर्मा और आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। जशपुर में एक अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में क्या खास है और इसकी चर्चा आखिर क्यों हो रही है, रिपोर्ट में देखिए। क्रिकेट का क्रेज युवाओं के साथ साथ हर उम्र के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग क्रिकेट देखना और खेलना काफी पसंद करते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र और जिम्मेदारियों के बीच लोग क्रिकेट से दूर होने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जशपुर में खास तरह की क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। दरअसल शहर के बीटीआई मैदान में 30 साल के ऊपर के शादीशुदा पुरुषों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में से 30 साल के ऊपर के शादीशुदा पुरुष खेल सकते हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं एंड अभी हम लोग यहाँ पे 30 प्लस का एक टूर्नामेंट का आयोजन किए हैं। इसका मुख्य मकसद ये है कि शादी के बाद या 30 प्लस के जितने भी हमारे पुराने भैया लोग हैं जो कभी क्रिकेट बहुत अच्छा खेला करते थे, वो अभी अपने व्यवस्था के कारण या अपने शादीशुदा जीवन के कारण बहुत ज़्यादा फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा ये एक उद्देश्य है, हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी फैलाने की कोशिश है इस तरीके से कि जितने भी हमारे पुराने भैया लोग हैं वो दोबारा से ग्राउंड पे आएं और अपना खेल का प्रदर्शन दिखाएं। शहर के बीटीआई मैदान में ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आयोजनकर्ताओं का ये मानना है कि आजकल के शादीशुदा लोग अपनी सेहत और अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, उन्हें फिट रखने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यहाँ एक हम लोग जो नया नियम लागू किए हैं, जो 30 प्लस या जो भारी एजेंट हो गए हैं उन लोगों के लिए टूर्नामेंट कराए हैं। और ये जो प्लान हम लोग का 2021 से था और हम लोग ज़्यादा प्रचार तो नहीं किए हैं, एक ही दिन में लगभग हम लोग यहाँ 24 से 35 टीम आ गया, लेकिन हम लोग मात्र 16 टीम को ही इस टूर्नामेंट में भाग लेने का अनुमति दिए हैं। और ये जो टूर्नामेंट अभी जो निकाले, इसमें जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं बहुत ही खुश हुए और लगातार फोन आ ही रहा है कि हमें भी रखो, हम लोग ये टूर्नामेंट लोकल के लिए रखे हैं, लेकिन बाहर से बहुत सी टीम आ रही है, उसे हम लोग को मना करना पड़ रहा है। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि आने वाले समय में इस प्रतियोगिता को प्रदेश स्तर पर आयोजित किया जाएगा। ये अनोखा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले कभी 30 प्लस या शादीशुदा लोगों को ऐसा ओपन टूर्नामेंट खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जितना भी टूर्नामेंट होता है ओपन टूर्नामेंट होता है और उसमें यंगर लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। और यंगर लोग जैसे खेलते हैं ना, तो सीनियर लोगों का थोड़ा चांस कम हो जाता है खेलने का या उस खेल में थोड़ा सा एंगेजमेंट दिखाने का। उसी वजह से हम लोगों ने 30 प्लस टूर्नामेंट निकाले ताकि उन लोग खुद का टीम बना के खुद चलाएं और उस टूर्नामेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट करके एंजॉय कर पाएं। 30 साल के ऊपर के शादीशुदा पुरुष ज्यादा अपने काम में व्यस्त रहते हैं और जिससे वे खेल से दूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसी अनोखी प्रतियोगिता से वे ग्राउंड पर पसीना बहाते नजर आएंगे और अपने खेल के शौक को भी पूरा कर सकेंगे। जशपुर से न्यूज 18 के लिए दीपक की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर बाप बेटे ने चोरी की है। बाप बेटे ने 36 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें बाप बेटे ने साथ मिलकर ये चोरी की। 35,78,000 के सामान बरामद किए गए हैं। सूरत सोना, पूनम सोना सहित 3 गिरफ्तार हुए हैं। 522 ग्राम सोना सहित 35.78 लाख के सामान जब्त हुए हैं। शैलेंद्र नगर में चोरी की वारदात हुई थी। मोधापारा पुलिस और साइबर सेल की यह कार्रवाई देखने को मिली। बाप बेटे ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और ये बड़ी चोरी, लाखों की चोरी हुई है। 36 लाख रुपए की चोरी होना बताई जा रही है। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी मात्रा में सोना भी बरामद किया गया है। शैलेंद्र नगर में ये घटना हुई थी चोरी की। अब जो है गिरफ्तारी हो चुकी है इनकी और पूछताछ भी जारी है पूरे मामले में। आखिर इससे पहले भी कहां कहां चोरी कर चुके हैं और ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।